मैं बताता हूँ, ये किसी भी बीमारियों का बाप है, ठीक है। कोरोना कुछ भी नहीं है इसके सामने, आया समझ में। ईसा मसीह निकालते हुए चले गए, और पता नहीं कितने आए प्रेतों को निकालने वाले, वो निकालते हुए चले गए, वो उसके नाम पे, वो उसके नाम पे। बालाजी का मंदिर हमारे जन्म काल से पहले का बना हुआ, घंटा बजता है, भूत प्रेत खेलते हैं, खेलते हुए बंद भी होते हैं। हमारे शनि धाम में तो 80% लोगों की हाजिरियां बंद हो गई, तो फिर या 90% लोगों की हाजिरियां बंद हो गई, तो इसका मतलब वे हाजिरी से पहले ढोंग कर रहे थे? नहीं भाई, ये रोग है तभी तो ठीक हुआ, ये रोग नहीं होता तो ठीक कहाँ होता। तब भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो ढोंग करे, ढकोसला करे, अंधविश्वास करे। ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास हमारा केवल डॉक्टरों पे है। हम ये सोचते हैं कि ये भगवान है हमें बचा लेगा, वो बचाता नहीं, उल्टा हमारी जो एक आध सहारा है, सहायता है, उसको और छीन लेता है। मान लीजिए आप ऐसे पड़ाव पे पड़े, अभी आपके सामने मैं बता देता हूँ, झरझरिया रोहतक से वो बहन जी आती है गोल से चेहरे की, आपको पता है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो 4,17,000 रुपये गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में दे के आई थी, याद है किसी के वो केस, वो कल भी आई थी, गोरी है बहुत ज्यादा, है याद है, कल देखी थी, फिर कैसी हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कहाँ गई बीमारी? किसी का दोष बाद में निकलेगा, किसी का पहले निकलेगा, जिसकी जैसी छाप है दोष। ये सुन लो, भूत प्रेत है, इससे सारा संसार डरता है, मानो ना मानो, ना मानने से किसी चीज का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। जिन डॉक्टरों ने मेरे मुंह से गाली खाई है, मुझे देखा नहीं है, मनु भैया मर नहीं गए हैं उनके लिए, और मर गए हैं उनके लिए तो मेरे लिए भी वे मरे हुए हैं अभी, लेकिन जब सामना होगा तो दोनों एक दूसरे के लिए जी जाए। ना देखने से किसी चीज का अस्तित्व नहीं मिटता। देखो, मैंने जापान को नहीं देखा, जापान मर नहीं गया, मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका मरा नहीं आज तक कमीना, मैं इंग्लैंड नहीं गया, इंग्लैंड भी नहीं मरा, गोरा मरा नहीं एक भी, मैंने गोरों को भी नहीं देखा, फिर भी नहीं मरा है ना। मैं वेस्ट इंडीज नहीं गया, वेस्ट इंडीज नहीं मरा भाई, मैं केन्या नहीं गया, केन्या नहीं मरा, मैंने आंखों से केन्या नहीं देखा, मैं जानता नहीं बर्मिंघम की गलियां कौन सी है, ठीक है ना, मैंने वहां के इतने सारे आदमियों को नहीं देखा, ना वे मरे ना मैं मरा उनके लिए, और वैसे दोनों के लिए मरे हुए हैं। तब क्या चीज का अस्तित्व खत्म हो गया? बोलो तो, जो आ रहा है उसको हमने अभी नहीं देखा, दादा पोते का मुंह देखे बिना मर गया, तो क्या पोता नहीं हुआ? पोता भी आया, उसका भी चेहरा था, उसका भी अपना एक रूप था, तब अस्तित्व खत्म कहाँ हुआ? अस्तित्व पैदा और हो रहे हैं, दादा जा रहा है, पोता आ रहा है, आ रहा समय। तो डॉक्टर केवल बेवकूफ बना रहा है। एक अपने जीवन से फिजियो को निकाल दो, कोई फिजियो आपकी कोई मदद करेगा। सबसे बड़ी बात, मालिश करना शुरू करो एक दूसरे की देह की, वो बूस्ट होगी। जैसे पहले दादा की कमर दबाया करते थे, मसला करते थे, फिर तेल लगाया करते थे, घुटने दबाया करते थे, जब तक तुम घुटने दबाते थे, जब तक घुटनों की मालिश किया करते थे, तब तक 100 साल के आदमी का भी घुटना हिलता नहीं था, आज 30 साल के आदमी का घुटना हिलता है, क्योंकि तुम लगे हुए हो घुटनों में, किसमें है? अब दादा का घुटना दबाए को, तो दादा के घुस गया प्रेत, दादा हो गए बूढ़े, है ना, तो दादा के घुस गया प्रेत, प्रेत बैठ गया घुटनों में, डॉक्टर कर रहा है ऑपरेशन, डॉक्टर को पता नहीं बेकूफ को 10 लाख रुपए ले लेगा, और पता है नहीं, दर्द फिर भी बना रहेगा, दर्द जाएगा नहीं, आप दादा के असली से नकली और हो गए, और 10 लाख रुपया और छिल गए। कहाँ की मार लगी है तुम समझ नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे कहाँ की मार लगी है, ये मार वो मार है जो झेली नहीं जाती है। उससे पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और डॉक्टर कह रहा है तत्काल, क्या कह रहा है डॉक्टर एक माँ को, कि मैं तेरे बच्चे को नहीं दे रहा 4.25 लाख रुपए लेके आ, जबकि बच्चा मर चुका है, 18 लाख रुपए वो दे चुकी है। एक एमएलए फोन करता है हॉस्पिटल के, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल के सीएमओ को, हाँ, बोला साहब ये माता आई है मेरे पास, मैं पब्लिक का वो हूँ नुमाइंदा, और पब्लिक ने मुझे चुना है इनकी सेवा करने के लिए, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ, ये अपने जीवन के 18 लाख रुपया जो इसके पास थे जमा पूंजी आपको दे चुकी है, इसके बच्चे की लाश इसको सौंप दो। नहीं बोला, 4.25 लाख रुपए ले आएगी लाश। अब वो कहता है एमएलए कि मैं 50,000 रुपए, जब बहुत देर तक बात करता रहता है,
अभी की वीडियो है, देख लो चार दिन पहले। ओपी राजभर क्या कहते हैं, उसकी माँ को चार दिन रखा, 4 लाख रुपए ले लिए। कितनी बड़ी चिकित्सा पत्ती हो गई, कितनी महंगी हो गई है। क्या माँ ठीक हो गई ओपी राजभर की? मर के नहीं आई। मरते हुए आदमी के जीवन का जो उसने नहीं कमाया है वो भी सारा पैसा वो ले जाएगा। वो आतताई हो चुका है, उसके मन में कोई करुणा भाव नहीं है, वो किसी के साथ इंसाफ नहीं जानता। इंसाफ तो शनिदेव महाराज करें ना, वो न्याय करना जानता है। वो ये जानता है कि जब तक इसकी जेब में पैसा है और ये बनठन के घूम रहा है, ये ससरा मेरी आंखों में चुभ रहा है। जब तक इस आदमी के 4 किले थे, 3 नहीं बिकवा लिए, बिकवा चौथा भी दिया था, तब तक इसको छोड़ा ही, और चौथे का भी ऑपरेशन बता दिया कि ये चौथा भी चौथे ऑपरेशन में बिक जाए, जब तक छोड़ा ही। इतना आतताई, इतना है करुणावान, इतना है दयावान, ये डॉक्टर हैं क्या? नहीं। इसलिए अंतिम समय आ जाएगा जब प्राण खींचने लगेगा, तब अपने माता पिता को घर रखिए। दुनिया कोई कुछ कहे, गरुड़ प्रमाण सुनाए, भगवान का नाम सुनाए, गति देनी है। क्या देनी है? यही घूमते रहेंगे, तुम्हारे अंदर ही आ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। मैंने दिखाया, एक महिला आती है, माता आती है, 5 दिन 6 दिन पहले की वीडियो है, उनका पति उसी में आ गया, जाएगा कहाँ? ये तत्व यहीं घूमेंगे। इसलिए कहता हूँ पितरों की पूजा मत करो, क्योंकि कोई पितर हमारे घर का है, हमारा ही कुल का है, हमारा ताऊ है, चाचा है, वो दारू पीता है, हमने उसकी पूजा की, उसके तत्व वहीं घूमेंगे। आपके बच्चों में आ गए, आपका बच्चा दारू पिएगा वैसे ही जैसे चाचा पूज लो। नहीं, एक चौक चौराहे के देवता पूज रहे हैं, देवता भोग मांग रहे हैं, देवता हुक्का पी रहे हैं, आप हुक्का पीना पसंद नहीं करते, आपकी लड़कियां हुक्का पीने लगी, देवता उन पे आ रहा है। खेल के जो आएगा प्रेत आएगा, अगर खेल के प्रेत आता है, भगवान खेल के आते तो सारे महात्मा उछलते कूदते फिरते, आपको सब महात्मा हो गए यूं ही सिर घूमते। आप देशानंद जी ऐसे ही करते रहते, हमारे भगवान शंकराचार्य भी ऐसे ही करते, शिव जी आगे शिव जी आगे। इसलिए कोई खेलता नहीं है, जो खेलता है शरीर में वो केवल प्रेत ही भागता है, वो केवल निगेटिविटी, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कुछ अच्छा करती है तो फिर बाद में बुरा ही बुरा, फिर क्या कहते हैं भाई इसका फलाना देवता उल्टा हो गया, कैसे हो गया भाई? नहीं समझे भाई, देवता तो देवता है, देवता उल्टा कैसे हो गया? देवता उल्टा सीधा होना जानते ही नहीं, तब ये उल्टा सीधा जो हुआ, ये चौक चौराहे की कोई माता थी, कोई चुड़ैल थी, है कि क्या थी? जय शनिदेव, जय शनिदेव, आनंद करो। हो सकता है आपने बढ़िया सबक भी सीखा हो, और हो सकता है आप मेरी बातों से बहुत कुछ सीख भी जाए, लेकिन मैंने समाज में जो मेरे बुराइयां व्याप्त हैं मैंने उनको उजागर किया है। मैं मानता हूं कि मैंने एक दो जगह गाली भी दी होगी, ऐसे अपशब्दों का भी यूज़ किया होगा, हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन समाज चेतता नहीं, बिना जूते मारे कोई काम नहीं करता मैंने देखा है, और मुझे निडर होकर अपनी बात को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आप लोग समझेंगे, तभी आप लोग महत्ता जानेंगे कि अपने बच्चे की जो मालिश करते थे उसका लाभ कितना है। अब नहीं करते हैं तो हर तीसरे दिन कहते हैं मेरे बच्चे का पेट दर्द है, अब फिर आपको पता नहीं है। मैं इसलिए आता हूँ, पिछले 1 महीने में 8-8 साल के, 5-5 साल के, 4-4 साल के बच्चे ऐसे आए हैं जो बेहोश हो जाते हैं, सिर घुमा के हाजिरियाँ लेते हैं, और इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, किसी डॉक्टर को नहीं पड़ी है। उसके पास ले जाओगे तो छोटे बच्चों को डॉक्टर ये कहता है अपने आप से करता है, जानबूझ के करता है, साइको हो गया, डॉक्टर ऐसे कहता है, तब आहत हो उससे पहले चौंक जाओ, चेत जाओ। आया समझ में? आहत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ लो तत्व है, उसको नकार कोई नहीं सकता, और जो नकार रहा है वो अपनी ही भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, वो अपनी ही महत्ता को कम करा रहा है, क्योंकि वो सनातन धर्मी है नहीं। हमारे प्रत्येक ग्रंथ में 18 के 18 पुराणों में प्रेतादिकों की कथा आती है। जय शनिदेव सबको।